नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस डेली सीरीज में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि वो कौन से बेहतरीन स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग साइड का ट्रेड कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। एक इंपॉर्टेंट नोटिस फ्रेंड्स, मे बी पॉसिबल है कि कल से जो है कुछ दिन तक जो है पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस सीरीज ना आ पाए। कारण ये है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, राइट। सो कल से ये पॉसिबल होगा कि शायद ना आ पाए डेली सीरीज। ओके, सो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सो दोस्तों, पहला स्टॉक है आपकी स्क्रीन पे इंडिया ग्लाइको। इंडिया ग्लाइको बहुत शानदार ट्रेड अभी कर रहा है, बहुत स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, राइट। सो दोस्तों, एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट के जरिए कमेंट आया था मुझे कि कैसे ये स्टॉक ढूंढते हैं वो मुझे बताइए, राइट। ये नहीं बताते, केवल आप अपनी एनालिसिस कर लेते हैं, स्टॉक ढूंढ के डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर आप ये नहीं बताते कि स्टॉक कहां से आप ढूंढते हैं, सो प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिए। मैं बताना चाहता हूं यहां पे कि मैं केवल अपनी एनालिसिस करता हूं, स्टॉक कहां से ढूंढता हूं, मैं 50 60 100 स्टॉक देखता हूं, मुझे क्या पसंद आता है उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहां पे उठाता हूं। सेम सिचुएशन से, सेम टेक्निक से बहुत सारे स्टॉक की लिस्ट वहां पे लगी पड़ी है, लेकिन उसमें भी मैं और अच्छा ढूंढने की कोशिश करता हूं, राइट। सो ये कहां से ढूंढता हूं, ये मेरी एनालिसिस है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये प्लीज मत बोलिए कि आप अपनी प्रैक्टिस बंद कर दीजिए, स्टॉप द प्रैक्टिस। दोस्त, आपको स्टॉप करना आप कीजिए ना, मुझे उससे क्या लेना देना है, राइट। मैं अपनी खुद की एनालिसिस कर रहा हूं। सो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि या तो आप देखिए ही मत, राइट। सो इस बात का ध्यान रहे, मैं अपनी एनालिसिस करता हूं, स्टॉक कहां से ढूंढ के लाता हूं दो मिनट में बताना मेरे बस का नहीं है। जो चीज मैंने इतने सालों में सीख रहा हूं और सीखने की कोशिश भी कर रहा हूं, वो चीज मैं दो मिनट में कैसे एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो देखिएगा, इंडिया ग्लाइको जो है, इसमें एंट्री की बात की जाए फ्रेंड्स, सो मेरा नजरिया है कि 650 के ऊपर ही आपको एंट्री करना है। 650, इससे पहले कोई एंट्री नहीं। 650 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। बात करते हैं यहां पे सिग्निफिकेंट लेवल्स की, राइट। सो सिग्निफिकेंट लेवल जो है यहां पे, वो जो पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, वो आ रहा है आपका, यहां पे मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करूंगा, वो आएगा समवन अराउंड 633 के आसपास, 633 के आसपास जो है इसका आएगा सिग्निफिकेंट पॉइंट, जो कि मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं लाइन 633। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसमें एसएल की। सो देखिएगा, इसमें जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग जो एसएल आना चाहिए, राइट, वो आएगा आपका 625 के पास में, 625 रुपए। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, प्रॉपर वे में एंट्री करना है, राइट। 625 ये हमारा स्टॉप प्लस का लेवल्स होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स कि रिस्क कितना हुआ, जो चलिए एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिस्क आपका होगा 3-4%, अप्रॉक्स 4% है, राइट। मैं बढ़ा के ही बोल रहा हूं, घटा के नहीं बोल रहा हूं। ओके, देखिएगा, टारगेट की बात की जाए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 695 का, 695। अगर 695 का मेरा लेवल निकला तो क्या रिस्क और रिवॉर्ड निकलेगा, 6 अप्रॉक्स 7% का, अप्रॉक्स 7%। पहला टारगेट हमारा फ्रेंड्स यही हो जाएगा। डेली सीरीज है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे। जैसे कि मैंने इन्फोबीन दिया था, इन्फोबीन ने आपने देखा होगा स्टार्टिंग के कैंडल नहीं, क्या धमाकेदार जो है रैली दिखाया, और पहली कैंडल में सारे टारगेट्स को लगभग हिट करता हुआ चला गया, राइट। सो 695 हमारा हो जाएगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट की बात की जाए दोस्तों, अगर ये 700 के लेवल्स के ऊपर, 700 के ऊपर ये सस्टेन करता हुआ नजर आया, राइट, तो मेरा भरोसा है फ्रेंड्स, फिर हमें 730-740 का लेवल्स यहां पे दिख जाएगा। सो 740 का लेवल्स को मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, जैसा कि जो मैंने बोला वो बात ध्यान रखिएगा, 730-740 ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं तक जाएगा,
ये इससे ऊपर भी जाएगा, इतना मुझे भरोसा है अपनी एनालिसिस पे, राइट। आने वाले समय में आपको 800 का रेंज भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है धामपुर सुगर मिल्स। आपको पता है कि सुगर मिल्स में तेजी का सौदा चल रहा है, राइट, कारण भी पता होगा। सो यहां पे अगर बात की जाए सिग्निफिकेंट पॉइंट की, सो हमारा जो सिग्निफिकेंट पॉइंट निकल के आता है फ्रेंड्स, वो आएगा अप्रॉक्स 382.35, 382.35, माफ कीजिएगा, 382.35, 382.35। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें एंट्री लेवल का। सो देखिएगा, यहां पे जो आपका एंट्री लेवल आएगा वो 387.40, अप्रॉक्स 388, राइट, 388 के ऊपर लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, देखिएगा 388 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। 60 पैसा यहां पे क्यों ऊपर नीचे हुआ, राइट, ये एक जो है लेवल्स पे आ रहा है। ये जो 388 है ये हमारे कैलकुलेशन लेवल्स पे आ रहे हैं, राइट, 60 पैसा। तो क्यों ना हम 60 पैसा ऊपर ही लेवल को रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे SL की। देखिएगा आपका जो यहाँ पे SL आएगा फ्रेंड्स, वो अप्रॉक्स आएगा 375 के आसपास, 375 रुपए के आसपास, और इसको मैं यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर देता हूँ। देखिएगा अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिस्क की, सो रिस्क हमारा अप्रॉक्स निकल के आता है 3.5% का, राइट, 3.5% का। बात करते हैं फ्रेंड्स टारगेट का। सो देखिएगा सबसे पहला टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 1:1 का गेम पहले क्लियर कर जाए, राइट। सो इसमें 405 का लेवल, राइट, 405 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पांच क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 405 पे मेरा कैलकुलेशन लेवल आ रहा है। सो 405 का लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप 1:1 का भी करें फ्रेंड्स, तो 400 के लेवल्स तक का डेफिनेटली आप कर सकते हैं, 400 के लेवल्स तक। सो आप इसमें पहला टारगेट, एक छोटा टारगेट है फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर 405 के ऊपर ये सस्टेन कर गया तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि फिर हमको 415 का लेवल्स भी देखने को मिल जाएगा, 415 रुपए का लेवल्स हमको देखने को मिल जाएगा। और अगर 415 का लेवल्स हमको देखने को मिला तो क्या रिस्क और रिवॉर्ड में 7%, राइट, 1:2 का अप्रॉक्स हमें मिल जाएगा। ओके, सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सॉफ्टवेयर। देखिएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो हमारा एंट्री पॉइंट आएगा, राइट, वो आएगा 760 के ऊपर, 760 रुपए के ऊपर ही अपने को करना है एंट्री। इसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करता हूं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिग्निफिकेंट पॉइंट की। सो देखिएगा इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट पॉइंट बन के आ रहा है फ्रेंड्स, वो आएगा यहाँ पे 750 के पास, 750, दिस वन 750 का होगा सिग्निफिकेंट पॉइंट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स SL की। सो देखिएगा इसमें जो SL निकल के आ रहा है वो आ रहा है फ्रेंड्स अप्रॉक्स 748 का, राइट, 748, दिस वन। ओके, ये आपका हो जाएगा एक स्टॉप लॉस पॉइंट। बात करते हैं फ्रेंड्स टारगेट, पहला टारगेट ही होगा फ्रेंड्स, यहां से अगर मूव किया तो 790 का लेवल जो होगा हमारा, राइट, ये ही पहला टारगेट हो जाएगा, 790 अप्रॉक्स 4%, राइट। और उसके बाद का जो हमारा सेकंड लेवल होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 830 का, राइट। सो 830 इसको मैं ब्लैक कलर से कर लेता हूं, एंड 790 ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टारगेट एंड दिस वन इज सेकंड टारगेट। और जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूं फ्रेंड्स कि अगर ये 800 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखा तो ही पॉसिबिलिटी है कि 830 तक जाएगा। रैली शानदार होगी, टाइम लग सकता है, राइट, लेकिन अगर आपको 790 तक भी मिलता है तो देखिएगा कि अप्रॉक्स आपको जो मिलेगा 29-30 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि इनफ है, राइट। सो फ्रेंड्स हमारा आज का नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंकॉल फार्मा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए एक सिग्निफिकेंट पॉइंट का। देखिएगा सिग्निफिकेंट पॉइंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा समवन अराउंड 345 के आसपास, 345 के आसपास जो है इसका जो है सिग्निफिकेंट पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ फटाफट से। बात करते हैं एंट्री पॉइंट का। सो एंट्री पॉइंट जो होगा वो 350 के ऊपर होगा, 350 रुपये के ऊपर ही आपको करना है एंट्री, 350 दिस पॉइंट, राइट। और SL जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका
335 का, दिस पॉइंट रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। देखते हैं रिस्क का। सो रिस्क आप देखिएगा कि इसका रिस्क जो होगा अप्रॉक्स 4 to 4.5% का, राइट 4.5%। बात करते हैं दोस्तों टारगेट का। सो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है फ्रेंड्स वो होगा 8% मिनिमम। ओके सो 8% का मतलब हो गया आपका अप्रॉक्स 378 के आसपास, राइट 376-378 के आसपास। ओके सो यहाँ पे मैं 376 जो है मार्क कर देता हूँ, राइट एक आध रुपये ऊपर है, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ओके सो यहाँ से 8% जो है मिनिमम इसको रैली यहाँ से दिखानी चाहिए, राइट 375-378 के बीच में जो है आप निकलने की कोशिश कीजिएगा अगर मिलता है तो। ओके सो फ्रेंड्स हमारा आज का जो लास्ट स्टॉक है वो है सीक्वेंट साइंटिफिक। देखिएगा इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट जो लेवल आएगा फ्रेंड्स वो आएगा समवन अराउंड 321.45, 321.45। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स की। सो देखिएगा 330.50, 330.50 इसके ऊपर डेफिनेटली आप एंट्री कर सकते हैं। जिनको सेव करना है फ्रेंड्स और सेव करना 336-337 के ऊपर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। स्टॉप लॉस की बात की जाए फ्रेंड्स तो मेरे अकॉर्डिंग जो एसएल आना चाहिए वो थोड़ा सा नीचे आएगा 315 पे, थोड़ा हो सकता है बड़ा हो फ्रेंड्स एसएल। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इस एसएल को, आपके फेवर में हो तो आप कीजिए वरना मत कीजिएगा। देखिएगा 5% का इसमें आ रहा है एसएल, इससे छोटा कोई भी एसएल नहीं है नियर बाई में। ओके टारगेट की बात की जाए फ्रेंड्स तो मेरा मानना है कि इसमें आपको अप्रॉक्स 380 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा। टाइम लग सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं टाइम लग सकता है, इसका ध्यान रहना चाहिए। देखिएगा 380 तक के लेवल्स को आराम से हम यहाँ पे देख सकते हैं, 15% तक का है, राइट। तो मिनिमम जो हमारा 10% का क्राइटेरिया आप उसको पहले देख लीजिए, 10% 360-363 के आसपास है, और सेकंड जो टारगेट है 380। तो मैं दोनों को ही मार्क कर देता हूं यहां से ब्लैक कलर से, 360-63 दिस वन पॉइंट, राइट एंड सेकंड वन इज 380। ओके इसके ऊपर जाने की भी क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने को अगर डेली सीरीज का है तो मैं डेली सीरीज की बात करूंगा। ओके सो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे जो मेरी पोजिशन स्टॉक एनालिसिस सीरीज का जो स्टॉक था आज का डेली सीरीज में, वो मैंने आपको दिखा दिया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर ले, राइट। सो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पोजिशनल स्टॉक एनालिसिस डेली सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।